लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। 514 करोड़ के कर्नाला सहकारी बैंक घोटाला प्रकरण में शेकाप नेता और पूर्व विधायक विवेक पाटिल गिरफ्तार हो गए हैं। विवेक पाटिल पर फर्जी दस्तावेजों के जरिए 60,000 से अधिक निवेशकों के 514,54,00,000 की जमा पूंजी पर हाथ साफ करने का आरोप है। बीजेपी विधायक प्रशांत ठाकुर और विधायक महेश बाल्दी 2019 से ही लगातार कर्नाला बैंक घोटाले में कार्रवाई की मांग कर रहे थे। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने इसे लेकर रिजर्व बैंक और ईडी में शिकायत की थी। महीने भर पहले अंतरिम जांच रिपोर्ट आने के बाद कर्नाला बैंक के 19 संचालकों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी। आज बीजेपी विधायक प्रशांत ठाकुर और महेश बाल्दी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि तमाम शिकायतों के बाद भी राज्य सरकार घोटालेबाज विवेक पाटिल को बचा रही थी। बीजेपी नेताओं ने ईडी की कार्रवाई पर संतुष्टि जताते हुए विवेक पाटिल की संपत्ति जब्त करने और निवेशकों का पैसा लौटाने की मांग की है। देखिए रिपोर्ट। पनवेल के कर्नाला सहकारी बैंक घोटाला प्रकरण में ईडी ने शेकाप नेता और पूर्व विधायक विवेक पाटिल को गिरफ्तार कर लिया है। विवेक पाटिल पर फर्जी दस्तावेजों के जरिए 514 करोड़ के घोटाले का आरोप है। इस घोटाले के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर बीजेपी विधायक प्रशांत ठाकुर और विधायक महेश बाल्दी 2 सालों से लगातार कार्रवाई की मांग कर रहे थे। फिलहाल ईडी ने विवेक पाटिल को गिरफ्तार कर लिया है। महीने भर पहले विवेक पाटिल समेत 19 संचालकों के खिलाफ नोटिस जारी हुई थी, जिसमें पहली गिरफ्तारी हुई है। कर्नाला सहकारी बैंक निवेशक संघर्ष समिति के कार्याध्यक्ष प्रशांत ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार ने विवेक पाटिल के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। उन्होंने विवेक पाटिल द्वारा 19 साल में बैंक फर्जीवाड़े के जरिए अर्जित की गई संपत्ति को जब्त कर निवेशकों का पैसा लौटाने की मांग की। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईडी की कार्रवाई पर प्रतिक्रिया देते हुए विधायक प्रशांत ठाकुर और महेश बाल्दी ने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। पनवेल के पूर्व विधायक विवेक पाटिल, जिन्होंने कर्नाला बैंक के माध्यम से लोगों का लगभग 525 करोड़ रुपया लूटा हुआ है, इनके खिलाफ काफ़ी सारे शिकायतें पिछले 2 साल से हो रही थी, पर पिछले 2 सालों में इसके बारे में कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। लगभग पिछले 1.5 साल तक यहाँ महाराष्ट्र की सरकार ने विवेक पाटिल के खिलाफ होने वाली शिकायतों को नज़रअंदाज किया और उन्हें प्रोटेक्शन देने का काम किया। आज मुझे बहुत खुशी है और सभी वो डिपॉजिटर्स जिन्होंने कर्नाला बैंक में पैसे रखे होंगे, ऐसे लगभग 60,000 डिपॉजिटर्स को आज खुशी होगी कि ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के माध्यम से कार्रवाई हुई है। अब उम्मीद ये करते हैं कि जल्द से जल्द विवेक पाटिल, इन्होंने ये पैसे कहाँ छुपाए इसके बारे में जानकारी मिले और इससे ये बेनामी प्रॉपर्टी जो भी कोई बनाई होगी उसको जब्त किया जाए और उसके ऑक्शन में से लोगों के जिन्होंने डिपॉजिट किए हैं ऐसे डिपॉजिटर के पैसे वापस मिलने चाहिए। इसके लिए अब हम आगे फॉलो करें। बता दें कि कर्नाला बैंक में कुल 514,54,53,000 रुपयों का घोटाला हुआ था। बैंक के अध्यक्ष और पूर्व विधायक विवेक पाटिल के अलावा संचालक मंडल से जुड़े 13 लोग इसमें आरोपी हैं। 63 लोगों पर नकली कागजात बनाकर बैंक से 512 करोड़ का कर्ज लेने का आरोप है। अधिकांश लोग सेहतकरी कामगार पार्टी से जुड़े हैं। बीजेपी नेताओं की शिकायत के बाद रिजर्व बैंक और सहकारिता विभाग ने जांच के आदेश दिए थे। फरवरी 2020 में कर्नाला बैंक के अध्यक्ष विवेक पाटिल समेत 56 संचालकों के खिलाफ पनवेल पुलिस थाने में FIR दर्ज की गई थी। नवम्बई पुलिस की क्राइम ब्रांच और CID भी मामले की जाँच कर चुकी है। रिजर्व बैंक की जांच में भी धांधली का खुलासा हुआ था, जिसके बाद RBI ने बैंक का स्पेशल ऑडिट कराने का निर्देश दिया था। लेखा परीक्षण रिपोर्ट में भी विवेक पाटिल समेत 19 संचालकों के खिलाफ धांधली का खुलासा हुआ, जिसके बाद चार्जशीट दायर की गई। देखिए, जिन लोगों के पैसे 2019 साल में जिनकी फिक्स डिपॉजिट मैच्योर हो चुकी थी उनको पैसा नहीं मिल रहा था, लोगों ने चेक दिए थे दूसरों को, उनके चेक वहाँ पे वसूल नहीं हो पाए, चेक यहाँ पर उनके पास नहीं हो पाए, लोगों ने RTGS किए पर RTGS भी लोगों का क्लियर नहीं हो पाया, तो कहीं ना कहीं बैंकिंग का वायलेशन हो रहा था पर इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा था। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सम्माननीय किरीट सोमैया जी को
कि जिन्होंने इसके बारे में आरबीआई के पास में, गवर्नमेंट के पास में पूरा फॉलोअप किया और उन्हीं के मार्गदर्शन में हमने जो फॉलोअप किया उसके आधार पर आज ये कार्रवाई हो पाई है। आने वाले समय में लोगों का पैसा जल्द से जल्द मिले, ये लोगों की अपेक्षा है, इसके लिए भी हम काम करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।